हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि जो कंक्रीट होता है उसकी जो असल जो मजबूती होती है, जो भी कोई दीवार होती है, स्लैब होती है, बीम है, कॉलम है, कुछ ही वट एवर, कि जो उसका असल में जो उसकी जो मजबूती है 100%, कितने दूर में वह प्राप्त करता है। तो ये इसी के ऊपर आज मेरी वीडियो है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद एजेज, अपने देह के हिसाब से बढ़ती है जो उसकी कंक्रीट जो स्ट्रेंथ होती है। टेबल में जो नीचे दिखाया गया है 28 डे, जैसे और जैसे फर्स्ट डे जो हम कंक्रीट कास्टिंग के बाद जो फर्स्ट डे होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 16% होती है। ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट डे होता है एक दिन में उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 16% होती है, और मतलब 3 दिन में होती है उसकी 40%। बिल्कुल याद रखने वाली कि जो फर्स्ट डे में 16%, 3 दिन में 40%, और 7 डे में 65%, 14 डे में 90%, और 28 डे में 99%। मतलब कि जैसे कई बार पूछा जाता है कि जो उसकी क्यूब की जो टेस्टिंग जो होती है 28 दिन में, उसके असल में जो उसकी मजबूती होती है उस पर पहुँच जाती है। अगर उसमें जो मसाला जो भी है कंक्रीट का जो रेशियो है उसमें प्रॉपर यूज़ किया गया है, तो मतलब कि 28 डे में वो होता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट डे 16%, थर्ड डे 40%, सेवन डे 65%, 14 डेज बाद 90%, और 28 डे बाद 99%। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी। कई बार पूछ भी जाता है कि कंक्रीट जो असल की जो सी स्ट्रेंथ है कितने दिनों में, कितने दिन लगती है उसको असली जो स्ट्रेंथ तक पहुंचने में, तो 90 डेज, 99%, 28 डेज लगते हैं दोस्तों कंक्रीट को। ठीक है, ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।